Dear students, we are going to discuss exercise 6.4 of 9th class and 7.4 of matric class. Question is, if A is equals 3, 2, 1, 0, then A inverse is equals to identity is equals to A inverse A. हम सबसे पहले A इनवर्स निकालेंगे. A इज इक्वल्स 3 2 1 0. A इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा. डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल 3 जीरो जा 0 माइनस 2 वन जा 2. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस 2. अब A multiply by A inverse. पहले हम A inverse निकालेंगे. A inverse is equals to 1 upon determinant of A multiply by adjoint of A. तो A inverse is equals to 1 upon minus 2. Adjoint of A में इनकी जगहें तब्दील करेंगे और इनकी साइनें तब्दील करेंगे. A inverse is equals to, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 अपॉन माइनस 2 माइनस 2 अपॉन माइनस 2 माइनस 1 अपॉन माइनस 2 3 अपॉन माइनस 2. A inverse is equals to 0 माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा. 2 अपॉन 2 को काटेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा. माइनस इनटू माइनस प्लस 1 अपॉन 2 और माइनस 3 अपॉन 2. हम डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं देते हैं और उसको ट्रांसफर कर देते हैं न्यूमरेटर की तरफ. ठीक है. अब हमारे पास है ए
multiply by A inverse. पहले हम A की वैल्यू रखेंगे 3 2 1 0 मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है 0 1 1 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 A A inverse is equals to first row first column 3 multiply by 0 plus 2 multiply by 1 upon 2 फिर first row second column 3 multiply by 1 plus 2 multiply by minus 3 upon 2 फिर second row first column 1 multiply by 0 plus 0 multiply by 1 upon 2 ये second row first column फिर second row second column 1 multiply by 1 plus 0 multiply by minus 3 upon 2 therefore A inverse is equals to 3 zeros are 0 plus 2 ones are 2 2 ones are 2 ये आपस में कट गए 1 ones are 1 3 ones are 3 plus into plus 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 into minus minus कट गया 2 से 3 1 जा 3 1 0 जा 0 प्लस 0 1 जा 0 2 से डिवाइड हुआ फिर भी 0 हो गया 1 1 जा 1 प्लस इनटू माइनस माइनस 0, 3 is 0, 2 से डिवाइड हो गया, वो 0 हो गया. A inverse is equals to 0 plus 1, 1, 3 minus 3, 0, 0 plus 0, 0, 1 minus 0, 1. ये आपका आइडेंटिटी बन गया ठीक है तो अब यहां पर आपकी दो चीजें सॉल्व हो गई A इनवर्स इज इक्वल्स टू
आइडेंटिटी। अब हम ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए करते हैं, हम पहले ए इनवर्स के एलिमेंट्स लिखेंगे, जीरो वन वन अपॉन टू माइनस थ्री अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय ए थ्री टू वन जीरो ए इनवर्स ए इज इक्वल्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जीरो मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस वन मल्टीप्लाई बाय वन। ये था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जीरो मल्टीप्लाई बाय टू प्लस वन मल्टीप्लाई बाय जीरो। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस माइनस थ्री अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय वन वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टू प्लस माइनस थ्री अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय जीरो। जहां माइनस का साइन आता है वहां वो चीजें मैं ब्रैकेट में रखता हूं ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो। अब ए इनवर्स ए इज इक्वल्स जीरो थ्री जा जीरो प्लस वन वन जा वन जीरो टू जा जीरो प्लस वन जीरो जा जीरो थ्री वन जा थ्री अपॉन टू प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री वन जा थ्री अपॉन टू टू कट गया टू से वन वन जा वन वन अपॉन वन मीन्स वन प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री जीरो जा जीरो जीरो टू जा जीरो ए इनवर्स ए इज इक्वल्स जीरो प्लस वन वन जीरो प्लस जीरो जीरो थ्री अपॉन टू माइनस थ्री अपॉन टू जीरो वन माइनस जीरो वन। ये आइडेंटिटी हो गया। आप आंसर में इस तरह लिख सकते हैं देयरफॉर ए ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए प्रूव्ड। क्लियर? उस
उसके बाद हम इसी एक्सरसाइज के सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं, बी क्वेश्चन पे, और उसको सॉल्व करते हैं। बी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, इफ बी इज इक्वल्स 16, 20 14, 15, then B identity is equals to B is equals to identity B. अब जो identity matrix होते हैं वो इस तरह से होते हैं, जिनके leading diagonals पर 1, 1 हो। अब बी हमारे पास है और उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे बी है 16, 20, 14 और 15 मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी 1, 0, 0, 1 बी आइडेंटिटी इज इक्वल्स 16, 1 16 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 0। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 16 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 14 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 14 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 1। अब बी आइडेंटिटी इज इक्वल्स 16, 1 16 प्लस 20, 0 0 16, 0 0 0 प्लस 20, 1 20 14, 1 14 प्लस 15, 0 0
14 zeros are 0 plus 15 ones are 15. B inverse is equals to 16, 20, 14 और 15 जो के बराबर हो गया B के. B identity is equals to B. अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, आइडेंटिटी बी. अब पहले आइडेंटिटी क्या रखेंगे, 1 0 0 1. अब बी के एलिमेंट्स रखेंगे, B के एलिमेंट्स हैं 16, 20, 14 और 15. आइडेंटिटी B इज इक्वल्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 16 प्लस 0 × 20, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम और सॉरी 0 × 14, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × 20 प्लस 0 × 15, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 16 प्लस 1 × 14 0, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 × 20 प्लस 1 × 15. अब आइडेंटिटी बी इज इक्वल्स 16 × 1 = 16 प्लस 0 × 14 = 0, 20 × 1 = 20 प्लस 15 × 0 = 0, 16 × 0 = 0 प्लस 14 × 1 = 14, 0 × 20 = 0 प्लस 15 × 1 = 15. आइडेंटिटी बी इज इक्वल 16, 20, 14, 15. वही आंसर आ गया. अब आप लिख सकते हैं, देयरफॉर बी आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी B proved. ये हमारा B था. B के बाद इसी एक्सरसाइज का हम C क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 का C. क्वेश्चन नंबर 5 के सी में है,
is equals to, if C is equals to 5332, and D is equals to 2 minus 3, -3, 5. Then CD is equals to identity is equals to DC. अब हम पहले C और D को लेंगे, C D मल्टीप्लाई करेंगे. C है 5 3 3 2, D है 2 minus 3 minus 3 5. Therefore CD is equals to 5 multiplied by 2 plus 3 multiplied by minus 3, first row first column, फिर first row second column, 5 multiplied by minus 3 plus 3 multiplied by 5. उसके बाद second row first column, 3 multiplied by 2 plus 2 multiplied by minus 3. फिर second row second column, 3 multiplied by minus 3 plus 2 multiplied by 5. Therefore CD is equals to 5 2s are 10 plus into minus minus, 3 3s are 9 plus into minus minus, 3 5s are 15 plus, 3 5s are 15, 3 2s are 6 plus into minus minus, 2 3s are 6 plus into minus minus, 3 3s are 9 plus, 2 5s are 10. So CD is equals to 1 0 0 1. ये आपका आइडेंटिटी हो गया. और उसके बाद हम DC निकालेंगे. अब यहां पर आप लिख सकते हैं CD is equals to आइडेंटिटी. अब DC निकालेंगे, पहले D के फैक्टर्स रखेंगे, 2 minus 3 minus 3 5. तो DC, C के फैक्टर्स भी रखेंगे, 5 3 3 2.
is equals to first row, first column, 2 into 5 minus plus minus 3 into 3. फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इनटू 3 प्लस माइनस 3 इनटू 2 माइनस 3 इनटू 5 सेकंड रो सेकंड कॉलम second row, first column, sorry, minus 3 into 5, plus 5 into 3, up second row, second column, minus 3 into 3, plus 5 into 2, so DC is equals to 2 5s are 10 plus into minus minus 3 3s are 9 2 3s are 6 plus into minus minus 3 2s are 6 minus into plus minus 3 5s are 15 plus 5 3s are 15 minus into plus minus 3 3s are 9 plus 5 2s are 10 up DC is equals to 10 minus 9 1 6 minus 6 0, 15, minus ka 15, plus ka 15, 0, minus ka 9, aur plus ka 10, 1, ye bhi identity ho gaya, to ab hum likhenge CD is equals to identity is equals to DC proof. ठीक है अब बाकी next जो question 5 के बचते हैं वो हम next video में आपको बताएंगे और इस वक्त ये हमने कर लिया और ये तीनों चीजें प्रूव हो गई खुदा हाफिज़